सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो आपके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। आज का पंचांग 4 अगस्त 2024 दिन रविवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि, शाम 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 1:26 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:25 से 7:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। कन्या राशि 4 अगस्त 2024 दिन रविवार, आज के दिन आपकी वित्तीय स्थिति एवं करियर में तरक्की का दिन है, लेकिन इन सब के लालच में अपने परिवार की उपेक्षा न करें। दरअसल आज आप अपने भीतर आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगे। इन दोनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगे, लेकिन अंतः दोनों में संतुलन बना पाने में कामयाब होंगे। आत्मचिंतन अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है, इसमें कुछ विलंब या जटिलताओं की संभावना है, इसीलिए अच्छे से तैयार रहें और अतिरिक्त सावधानी के साथ खाने पीने की चीजों का चयन करें। शिक्षा में निवेश करने के लिए दिन बेहतरीन है। किसी कानूनी लेन देन में अवांछित खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छे भाग्य और खुशियों से भरा है। आप वास्तव में अपनी ताकत और कमियों का आकलन करने में सक्षम हैं। आप अपने नजदीकी आय और खर्च पर नजर रखेंगे और फायदे के बारे में विचार करेंगे। आप अभी पैसे और अपनी संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत मूल्यों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक आमदनी के बारे में सोच सकते हैं। लोगों से बातचीत करना फायदेमंद है, इससे वित्तीय लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोगों से किसी प्रकार की कोई उम्मीद ना करें, नहीं तो आपको निराश होना पड़ सकता है। अच्छे से सोच विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लें, जिससे आने वाले समय में आपकी स्थिति मजबूत होगी। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री संबंधित कार्यवाही चल रही है तो निश्चित सफलता मिलेगी। शारीरिक और मानसिक तौर से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। संबंध मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। काम संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा, इस कारण काफी दिनों से चल रही उलझन दूर होगी। आज अपेक्षा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस कारण शारीरिक थकान हो सकती है, लेकिन काम की वजह से प्रसन्नता बनी रहेगी। अपने गुस्से को काबू रखें। विद्यार्थियों को काम और पढ़ाई से संबंधित अवसर प्राप्त होंगे। जो चुनाव आपके द्वारा किया जाएगा उस पर टिके रहने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। आंखों की जलन और बुखार जैसी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में अत्यधिक मात्रा में धन लगाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई आपकी चुगली लगा सकता है, जिसके बाद आपके बॉस आपसे नाराज रहेंगे। आपको अपनी आय को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा, नहीं तो परिवार में कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाग्य का साथ रहेगा, भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्य में सफलता की प्राप्ति हो सकती है, आय अच्छी रहेगी। दोपहर तक कार्य की अधिकता होगी। माता पिता प्रसन्न भी आज रहेंगे। योजनाएं सफल होगी, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ कुछ बहस की स्थिति बन सकती है। अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ
व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है और इन गतिविधियों में ही व्यस्तता के वजह से कोई काम अधूरा भी रह सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखेगा। आज आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। आपको समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे। आज अपने साथी को लाड प्यार करने का दिन है। आज अपने साथी को लंबी सैर या खरीदारी पर लेकर जाएं, एक साथ शाम का खाना खाएं, अपने साथी को दवाई दें। आप वही ताजगी और चिंगारी अपने जीवन साथी में देखेंगे। आपका या आपके पार्टनर का परिवार अभी किसी अशांति से गुजर रहा है। आज अस्पताल जाना अनिवार्य हो सकता है। इस तनाव के बीच अपने डर और चिंताओं के बारे में बात करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ने के लिए समय निकालें। गलत फैसलों से दूर रहें, जैसे शराब पीना या ड्रग्स लेना आदि, क्योंकि यह आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद नहीं करेंगी। ध्यान प्रकृति में समय बिताना आपको नए आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ने में मदद करेंगे। आप अपने घर या रिश्तेदारों के घर की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। इस समय आपके आसपास एक शक्तिशाली और रचनात्मक दिव्य शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आपकी भावनाएं और रोमांटिक कल्पनाएं आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मानसिक रूप से आप अभी शीर्ष पर हैं। सबके ध्यान का केंद्र बने और आपको वो भी जरूर नोटिस करेगा जिसे आप दिलो जा से चाहते हैं। अपने और अपने साथी के बीच की केमिस्ट्री को महसूस करें। अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हैं तो उन्हें अपने पास आने दें। प्रतिबद्धता को लेकर परेशान है तो अपना सब कुछ अपने साथी को देकर देखें। दुनिया आपको जन्नत लगेगी। बात करते हैं करियर की। आपने अपने और अपनी शिक्षा के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, वो अभी बाधित हो सकती है। आज अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती पर ध्यान दें। डॉक्टर या सलाहकारों से मिले अपने या अपने प्रियजनों के सेहत संबंधित मामलों के लिए आप पुनर्वास केंद्र या अस्पताल भी जा सकते हैं। उन विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें जो इस चरण में आपका मार्गदर्शन करेंगे। बुराइयों और जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने से बचें। इसकी जगह दान पुण्य में शामिल होने के बारे में सोचें, जिससे आपके क्षितिज का विस्तार हो और जो आपको नए दृष्टिकोण को पाने में मदद करे। आप लोगों से अधिक मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। अभी आपको कुछ ऐसे सुझाव भी मिल सकते हैं जिनसे आपको ठेस पहुंचे, किंतु निराश ना हो। हो सकता है कि आपकी बातें भी किसी को बुरी लगे। सफलता का नुस्खा यही है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ें। आज अब वह प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते हैं। बाहरी दबावों और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा क्योंकि आपने ये कार्य क्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जचता है। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। बात करते हैं सेहत की। आज आप सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और तैली तथा बाहरी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आप काफी अल्कोहल भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी पिए। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी कर लें। अगर आप अपना दृष्टिकोण सहज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक ऊर्जावान रहेंगे। आज अब गरीबों को गुड़ का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।